देखिए एशिया के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, एशिया के आए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। कोशिश कर रहा कि मेरे आंसर से पहले अपना आंसर पहले एक बार अपने नोट्स से रिवाइज़ करें एशिया, और फिर आंसर पहले के देने की कोशिश करें। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा। एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बताएं एशिया का सबसे बड़ा शहर, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है कि सबसे सबसे बड़ा शहर कौन सा। तो शंघाई है, वुहान है, बीजिंग है, मुंबई है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग। ये एशिया का सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट फिर से पूछ रहा, एशिया का सबसे बड़ा शहर किसकी दृष्टि से पूछ रहा है, इस बार जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से बताएं सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा। शंघाई, टोक्यो, टेक्सस, लंदन। तो बताएं कौन सा आंसर होगा। तो ऐसे याद रखें टोक्यो, एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो कौन सा हो जाएगा, टोक्यो। ऐसे ना किसी को रोक रहे नहीं, टोक रहे नहीं, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ऐसी। तो ऐसे याद रखना टोक्यो, और उसका क्या हो गया बीजिंग। एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया के क्वेश्चन देखने वाले हम सारे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा खुद से कोशिश करें। कह रहा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, भाई एशिया का तो होगा ही होगा, जब विश्व का होगा तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप वो एशिया में ही आता, और उस प्रायद्वीप का नाम है आइबेरिया का प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे इसे, आइबेरिया का प्रायद्वीप। ये यूरोप में आता, वैसे तो यूरोप की कंट्री में, आइबेरिया का प्रायद्वीप। नेक्स्ट देखें फिर से, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछने लगे तो इसका नाम है बोर्नियो, इंडोनेशिया के पास। इसका नाम क्या हो गया, बोर्नियो, इंडोनेशिया का द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछे। नेक्स्ट कह रहा, एशिया का सबसे सूखा सागर कौन सा है? तो एशिया का सबसे सूखा भाग, सॉरी सूखा भाग कौन सा, तो ओमान का मस्कट कह देते हैं, या एडन के नाम से भी जाना जाता है। ये एशिया का सबसे सूखा स्थान है मेडन। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया का सबसे, विश्व का तथा एशिया का सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, पूरे विश्व में कह ले चाहे एशिया में कह ले, तो यहाँ पर होती है भारत का मेघालय, तो वहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है मसिनराम। तो एशिया का और एशिया का या पूरे विश्व का कह ले सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मसिनराम में होती है। नेक्स्ट देखें उसके बाद पूछ रहा, एशिया तथा विश्व की सबसे गहरी झील, एशिया की कह लो या विश्व में भी सबसे गहरी झील, एशिया में की तथा विश्व की सबसे गहरी झील पूछे तो क्या बताई थी, बेकाल झील। नेक्स्ट देखते हैं विश्व की सबसे गहरी झील, वो भी पूछे अगर खारे पानी की झील तो उसका नाम याद रखेंगे, इसका नाम है मर्त सागर, ये जॉर्डन में पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी, अगर एशिया की सबसे लंबी नदी याद रखेंगे तो आप इसका नाम हो जाएगा यांगसी या फिर यांगटीसी नदी। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये जो महावेली गंगा दे रखा है ये श्रीलंका की है, इरावदी ये हो गई म्यांमार की, और हवांगो किसकी हो गई, चीन की। वैसे तो यांगटीसी चीन में बहती है तो चीन की यांगटीसी कहेंगे, या एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी आ गई, यांगटीसी। नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद कह रहा है कि एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता याद रखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता सिविलाइजेशन है ये है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट कह रहा है ताइवान का पुराना नाम, ये अच्छा क्वेश्चन है, ताइवान का पुराना नाम क्या हो जाएगा, फोरमासा। ताइवान का पुराना नाम है फोरमासा, यह म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, यह अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, नेफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हमसे पूछ रहा है वो आपसे कि हिरोशिमा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12, तो उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि हिरोशिमा व नागासाकी कौन से द्वीप पर, हिरोशिमा व नागासाकी कौन से द्वीप पर स्थित है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये क्रम से पूछा, अगर क्रम से पूछे तो पहले हिरोशिमा आ रहा तो याद रखेंगे होन्सू और क्यूसू, तो ये बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा, होन्सू और क्यूसू। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हमसे पूछ रहा है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो देखें ये अभी तो वर्तमान में मतलब कौन सा है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन में मतलब कि इसको मिल जाएगा तो ये हुगली कर्नाटक में, ये हो जाएगा सबसे लंबा 1400 मीटर के आसपास हो जाएगा ये। नेक्स्ट कह रहा है एशिया तथा यूरोप को अलग करता है, तो एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है, लाल सागर, सुरेज सागर, फिर दे रखा क्या नाम है यूरोप, यूराल पर्वत, हिंदकुंद पर्वत और नन। तो आंसर इसमें क्या लगा देंगे आप, यूरोप से करता है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे फिर कह रहा है चीन का शोक किसे कहा जाता, तो चीन का शोक कौन सी नदी को कहा जाता, हवांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता। कोशिश करें अपना आप ही पहले आंसर दें। सफ़ेद हाथियों का देश बताएं किसको कहा जाता, तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता थाईलैंड को, और जबकि फिनलैंड को क्या कहते हैं, झीलों की भी, हज़ार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं, और सफ़ेद हाथियों का देश क्या हो गया, थाईलैंड। 60% जनसंख्या कौन से महाद्वीप पर निवास करती है, तो उसका आंसर हो जाएगा एशिया पे 60% पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे निवास करती है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आने वाला देश कौन सा, तो याद रखेंगे तीन देश आते हैं इसमें, एक का नाम है लाओस, एक का नाम है थाईलैंड और एक का नाम है म्यांमार। तो पूछेगा निम्न में से कौन सा आते हैं, तो ये तीनों उसी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हमसे वो कि आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम बताएं, तो उसको नाम याद रखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, बैरिंग जल संधि।
दोनों को जोड़ने वाली संधि होगी बैरिंग जल संधि। नेक्स्ट, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, तो ये मैंने अभी बताया अभी तक पीछे क्या नाम आ गया इसका, महावेली गंगा, ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट है म्यांमार की सबसे लंबी नदी पूछने लगे तो इसका नाम है इरावदी, म्यांमार की सबसे लंबी नदी हो गई इरावदी। नेक्स्ट पूछ रहा आपसे एशिया के स्थलरुद्ध देशों में सबसे बड़ा कौन सा, स्थलरुद्ध मतलब वगैरह लैंडलॉक कंट्री कौन सी, एशिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी बताओगे, तो इसका नाम हो गया कजाकिस्तान। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता फिर आंसर आ जाता मंगोलिया, लैंडलॉक मतलब जो चारों तरफ भूमि से घिरी हो। नेक्स्ट कह रहा किस महाद्वीप का भविष्य का भंडार ग्रह भी कहा जाता, तो एशिया महाद्वीप को भविष्य का भंडार ग्रह भी कहा जाता क्योंकि यहाँ पे आधे से ज़्यादा मिनरल्स सोर्स काफ़ी सारे हैं, तो इसलिए इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हमसे वो कि सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ पर है, सबसे गहरा सागरीय गर्त मतलब ट्रेंच पूछ रहा, तो मैंने बताया था मैरियाना ग्रंथ सबसे जो गहरा ग्रंथ है, तो उसका नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम हो गया मैरियाना ग्रंथ। नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा फिलीपींस की राजधानी मनीला कौन से द्वीप पर है, तो उसका एक द्वीप है जिसका नाम है लुजोन, तो उस पर हो जाएगी फिलीपींस की राजधानी मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा जापान का होन्सू नामक किस लिए प्रसिद्ध, बताएं होन्सू नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो उसके लिए याद रखेंगे तेल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मलेशियन द्वीप समूह कौन से महासागर में स्थित है, मलेशियन द्वीप महासागर हो गया प्रशांत महासागर में। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा, तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछता है तो इंडोनेशिया, और द्वीप पूछे तो आंसर होगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट पूछ रहा न्यूग्लिट्रम किस देश की मुद्रा है, तो याद रखेंगे भूटान की मुद्रा है न्यूग्लिट्रम। रेड क्लिफ लाइन किस देश के बीच में, तो याद रखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इन कोशिश करना इन क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देखें, याद करें, इनमें से काफ़ी ज़्यादातर पूछा जाता। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम यूरोप के ऊपर। थैंक यू।